नमस्कार, मैं आचार्य संजय, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में विचार करेंगे लग्न पीड़ित योग या लग्नेश या लग्न, दोनों कहीं से पीड़ित हो रहे हों। लग्न आपके कंप्लीट व्यक्तित्व, वो भाव, लग्न भाव। दूसरा है लग्नेश। लग्नेश जब कुंडली में पीड़ित हो रहा हो कहीं से, या तो लग्नेश दृक् भाग में बैठा हो, 6-8-12, 3-6-8-12, और पाप ग्रह के साथ बैठा हो, राहु केतु इस प्रकार के ग्रहों के साथ बैठा हो, या लग्न का मान कम हो, या फिर लग्नेश शत्रु गृही होके बैठा हो, या लग्न के ऊपर बहुत सारे पाप ग्रहों का दृष्टि हो रहा हो। और सबसे बड़ा समस्या तब बनता है जब लग्न में ही आके आपके आपके कुंडली का मार्केश अष्टमेश पाप पीड़ित पाप ग्रह बन के लग्न के ऊपर बैठ जाए। तो लग्न पीड़ित, इधर लग्नेश भी पीड़ित, और लग्नेश जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, वह भाव और भावेश भी पीड़ित। ऐसा व्यक्ति के व्यक्तित्व बड़ा उथल पुथल, दुखद, पीड़ापूर्ण, कष्टप्रद और अति व्याकुल, व्यथित, विकलावस्था पे चलता है। क्या होता है ऐसे जीवन, ऐसे जातकों में? सबसे पहला, जब लग्नेश शत्रुग्रही होता है तो यह जातक क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या सही है और क्या नहीं सही है, गलत है, उसका ज्ञात उसके अंदर नहीं रहता, बस करते जाता है। इस कर्म से किसके ऊपर क्या बुरा या सही इफेक्ट आएगा उसको कभी समझ पे नहीं आता। उसका एनर्जी उसे उस प्रकार के गलत कर्मों को करा के सही ठहराता है उसके जीवन पे, कि उसे लगता है कि हम करेक्ट, 100% करेक्ट, हम गलत कर ही नहीं सकते। ये ज्यादातर अगर बुद्ध कहीं से पीड़ित हो रहा है तो होता है, बुद्धि का कारक ग्रह अगर पीड़ित हो रहा है तो होता है, लेकिन व्यक्तित्व का फोकस ही उस मार्ग पे चला जाता है। तीसरा, क्योंकि लग्नेश स्वयं शत्रुग्रही है तो ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा उसके आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे शत्रु ही शत्रु होंगे, लेकिन इसको मित्र समझ में आते होंगे, इसको लगेगा मित्र हैं और उनको फुल विश्वास करेगा और उनके साथ चलने लगेगा, और आखिरी पे जाके उसको धोखा देंगे या धोखा खाएगा, लेकिन धोखा उनके वजह से नहीं खाएगा, अपने कर्म के वजह से खाएगा। तीसरा इसका क्वालिटी रहता है ओवर कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, और लास्ट में उसी का ही सब कोई बिगाड़ देते हैं। लेकिन ये जो बिगाड़ते हैं वो और कोई नहीं बिगाड़ते, वो खुद ही बिगाड़ कर देता है। लग्न लग्नेश और लग्न स्थित भाव के भावेश पीड़ित,
माने ऐसा व्यक्तियों को सबसे पहला मार, अगर आयु स्ट्रांग है तो, और आयु क्षीण है तो ये जल्दी जाने वाले, टाटा बाय बाय, वेद व्यास धाम सीधा श्मशान घाट। लेकिन अगर आयु स्ट्रांग है कहीं ना कहीं से, तो जन्म से लेके मृत्यु तक ये हमेशा अपने जीवन के क्षेत्र पे खुद गड्ढा खुद खुद के जाएंगे और खुद गिरेंगे, खुद गड्ढा खोदेंगे खुद गिरेंगे, खुद गड्ढा खोदेंगे खुद गिरेंगे। नहीं, टांग नहीं खड़ा, अपने से अपना कुराड़ी से अपना पैर नहीं काटते, अपने जीवन का गड्ढा खुद बनाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मैं मेरे लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। उनको लगता है मैं दूसरे लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, वो गिरेगा मैं ताली मारूंगा, ताली खाक मारेगा खुद गड्ढा में गिरता है। ठीक है, तो ये लगने अच्छा, यहाँ एक और मैं बताना चाहूंगा, बड़ा सूक्ष्म बिंदु है ये सारा जो नेगेटिव पॉइंट मैं बताया, उसमें अगर कहीं से लग्नेश बकरी हो गया हो, रेट्रोगेट है, समझ लीजिए उल्टा खोपड़ी, ऐसे कंडीशन पे मैं जितने सारे जो जातकों को देखा हूँ, व्यक्तियों को देखा हूँ, उनको उनके होल ऑफ द लाइफ पूर्व जन्म का कृत कर्म को इस जन्म पे पेंडिंग कर्म, एज पेंडिंग कर्म रिपे करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और ऐसे लोग देखोगे सब ठीक ठाक चलता रहेगा, जिस दिन पेंडिंग कर्म खत्म हुआ उसी दिन वो गायब, मरेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मर भी सकते हैं लेकिन गायब कहाँ से, जो उनका उनका बुना हुआ जो जाल होता है, माने जाल इन द सेंस आप जानते हो टसर जिसमें कपड़ा बनता है, साड़ी बनता है, एक तो कीड़ा होता है वो अपने को बिनने बिनने लगता है, बिनने बिनने लगता है और लास्ट में वो अपने को पूरा कवर कर देता है और उसी के अंदर वो रह के मर जाता है। दिस इज लाइक दिस। तो ये लग्न लग्नेश पीड़ित अवस्था और भाव पीड़ित अवस्था, जहां जाके है उस भाव का पीड़ा अवस्था। एक चीज है कि जिंदगी भर बीमार तो रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। और इस कंडीशन पे देखिए लग्न माल लग्न बल ही तो है जो बाकी 11 हाउस को अपने कंट्रोल पे लाता है। 11 हाउस का जो ड्राइवर मैन, जो सबको अपने सिस्टम पे ला के रखना, पकड़ लीजिए सेकंड हाउस धन आया तो कहाँ आएगा, लग्न के लिए आएगा ना। लग्न का द्वितीय हाउस धन का हाउस, परिवार का हाउस, कहाँ आएगा, लग्न के लिए आएगा। अब यही डिस्ट्रॉय है तो ये सेकंड हाउस का धन परिवार क्या होने वाला है, मुंह खाद्य क्या होने, ये मैं बीमार है तो ये खाना का क्या करेगा। लग्न पीड़ित बन रहा है तो तृतीय हाउस पराक्रम आएगा कहां से, हाथ उसका मजबूत होगा कहां से, मेहनत करेगा कहां से। चलो भाई बहन आ भी जाएं अलग बात है, लेकिन फिर यहां से ये बनता है कि ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी या जातक, क्योंकि दुर्बल बीमार रोगाग्रस्त रोग पीड़ित मानसिक शारीरिक दुर्बल है, तो उसका जो बहन और भाई हैं उनका अगला क्या होने वाला है, क्योंकि यहीं से तो नेक्स्ट जनरेशन पता चले, नेक्स्ट भाई का पता चलेगा। यानी उसका पिता से जो रज बिरज समाहार से जो ये जन्म हुआ है, वहां कहीं गड़बड़ी है बोल के ऐसा मिला, फिर वो सेकंड वाला क्या होने वाला है। ठीक ऐसे जो ये पीड़ित लग्नेश लग्न जो भी, मैं ये जो पूरा बताया, चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा भूमि भवन वाहन सब कुछ होने के बावजूद क्या काम उसका, तो इस प्रकार बाकी 11 घर, अगर एक अच्छा है तो बाकी 11 दुर्बल होने से चल जाएगा, लेकिन 11 मजबूत है और एक दुर्बल है फिर क्या काम का। पैसा बहुत है जीवन भर हॉस्पिटल में रहेगा, पैसा बहुत है तो चला चोर चपेट एक्सीडेंट या जाके जेल में, तो कोई भी चीज और काम में नहीं आता है। समाधान,
सबसे पहला लग्नेश को बलि करने का प्रयास। लग्नेश यानी जो ग्रह है उसको कैसे बलि किया जाए, लेकिन अगर वो 6-8-12 3-6-8-12 में बैठा और उसे बलि करते हैं तो उस जनित समस्याओं को भी बढ़ाएगा इस कंडीशन पे। तो वो बहुत अच्छा से कुंडली विश्लेषण करके फिर वह निर्णय किया जाता है क्या उससे उसका लग्न ग्रह को लग्नेश को बलि करने के लिए जो जो एलिमेंट है, या तो रत्नादि, या तो जड़, या तो भोजन, या तो उसका जाप इस प्रकार, या फिर हवन इत्यादि, इन प्रकारों में क्या उसके लिए अत्यंत उपयुक्त होगा उसका निर्णय करके फिर उसे उसका इस प्रकार के दुर्योग से उसे बचाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।